रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो एडल्ट्स में डिफरेंट होती है, फीटस में डिफरेंट होती है। फीटस की बात कर लेते हैं, या फीटस की जो होती है ना, फीटस में टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? प्लेसेंटा से निकलता है, एस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जाता है लीडिंग सेल्स के पास, और लीडिंग सेल्स प्लेसेंटा से एससीजी निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। वो जाता है लीडिंग सेल्स की फॉर्मेशन कराता है, और लीडिंग सेल्स आगे से टेस्टोस्टेरोन निकालते रिलीज करते हैं। एडल्ट्स में दो तरह की स्टिमुलेशन भी हो सकती है, इसके अलावा इनहिबिशन भी हो सकती है। इनहिबिशन जो होती है ना टेस्टोस्टेरोन की, वो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है। स्टिमुलेशन कैसे होती है? हाइपोथैलेमस से निकलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स निकलते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी आगे से रिलीज कराते हैं दो हार्मोन LH और FSH। LH जाते हैं लीडिंग सेल्स पे, लीडिंग सेल्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराओ, ठीक है। इसके अलावा फीडबैक इनहिबिशन करानी हो तो वो कैसे कराते हैं? होती है एक्सेस, अगर लीडिंग सेल्स ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करा रहे हैं ना, तो फीडबैक इनहिबिशन जाती है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट कर देते हैं, और इसके अलावा ऊपर जाके हाइपोथैलेमस को भी रिमूव कर देते हैं इनहिबिट। फीटस में मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा से आता है, एससीजी आता है, और एससीजी आता है और इन लीडिंग सेल्स की क्या करा देता है, ग्रोथ को इंक्रीज करा देता है। इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज होता है। इसके बाद हम बात करें प्यूबर्टी, इन मेल में प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो वो पीरियड जब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स अपीयर हो, डिवेलप होने लग जाए, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। 12 से 13 ईयर्स की एज में होता है। ऑनसेट इसका कैसे होता है? ऑनसेट इसका ऐसे होता है कि अमिगडाला में ना मैचुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं 12-13 साल की उम्र में। अमिगडाला में ना, हमारे ब्रेन में जो अमिगडाला है ना, उसमें मैचुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो मैचुरेशन प्रोसेस है जाके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस रिलीज कराने लग जाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और वो आगे जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, कहता है कि LH और FSH रिलीज कराओ, ठीक है। और फिर लेडी सेल्स पे LH जाता है और टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराता है। नॉर्मेलिटीज की बात करें अगर हम, तो मेल क्लाइमेक्टेरिक क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से मेल सेक्सुअल फंक्शंस का डिक्रीज होना मेल क्लाइमेक्टेरिक कहलाता है। ये 60 एवरेज अगर बात करें 68 ईयर्स भी हो सकता है, और वैसे ब्रेन देखना हो तो 50s और 60s में हो सकता है, ठीक है। इसको मेल क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं। सिम्टम्स देखें इसकी, अगर देखें तो इसमें हॉट फ्लशेस आते हैं, इसके अलावा सफोकेशन होने लग जाती है, साइकिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की दो इसकी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। इसकी एक एबनॉर्मेलिटी बेनाइन है और एक मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट को कैंसर ही कहते हैं, और बेनाइन को भी कुछ, बेनाइन को कहते हैं हम, इसमें एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक फिब्रिडिनोमा। इसमें क्या होता है, ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, ओल्ड एज में होता है, ठीक है। ओल्ड एज में नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, और ये जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता, और इसमें फिब्रस टिश्यू बन जाते हैं, इसलिए इसको फिब्रोएडिनोमा कहते हैं। बिनाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉन मैलिग्नेंट होता है, प्रोस्टेटिक इसलिए कहते हैं कि प्रोस्टेट में होता है, फिब्री एडिनोमा एडिनोमा ट्यूमर को कहते हैं, और फिब्री फिब्रिक फिब्रस टिश्यूज बन जाते हैं, इसलिए ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से नहीं होता। सिम्टम्स देखें तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इसमें यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, ये जो कैंसर वाली टाइप है ये मैलिग्नेंट है, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है,
और ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड की ओवर ग्रोथ हो जाती है। और सिम्टम्स इसके देखें तो ये बोन्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या हुआ था, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी, ठीक है, साइज बढ़ाने की वजह से, प्रोस्टेट का साइज होने की वजह से। कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट में सिम्टम्स देखें तो बोन पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कैंसर बोन्स तक फैल चुका होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, ताकि टेस्टिस नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ नहीं होगी। एक तो टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन की एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं।